Hello students of class 1, welcome to your maths class. Today I will teach you chapter 8 and chapter 9. Now tick the following in the scene. यहाँ पे बच्चों जो चित्र दिखाई देता है ना, जैसे पहला है द एनिमल विथ ए शॉर्टर टेल, तो ये जो है ये कैट में यहाँ वन लिख देंगे। द फैट चाइल्ड, यहाँ पे टू लिखेंगे, आता है ना, वैसे ही इसका नंबर यहाँ पे देते जाएंगे। जैसे टॉलेस्ट ट्री है तो यहाँ पे लंबा जो है ट्री यही ना है, तो यहाँ पे सिक्स दे देंगे। एक्सरसाइज 8A में हाउ लॉन्ग आर दिस ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेंसिल है तो ये पेपर क्लिप्स है, तो ये कितने पेपर क्लिप्स के बराबर ये पेंसिल है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अबाउट 9 पेपर क्लिप्स लॉन्ग है ना। यहाँ है ये ब्रश जो है, पेंट ब्रश जो है, ये कितने क्रियॉन्स के बराबर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बराबर होता है। एक्सरसाइज 8B, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। वन बॉक्स स्टैंड फॉर वन यूनिट। क्वेश्चन 1, स्ट्रिप डैश इज द लॉन्गेस्ट, इट इज डैश यूनिट लॉन्ग, दिस इज डैश 10 एंड डैश 1। तो बच्चों इसमें देखिए सबसे लंबा स्ट्रिप्स कौन सा है, तो देखने से ही येल्लो स्ट्रिप्स जो है यह सबसे लंबा लग रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्ट्रिप ई इज द लॉन्गेस्ट, इट इज़ डैश यूनिट लॉन्ग, तो एक बॉक्स जो है वो एक यूनिट होता है, तो यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इट इज़ 13 यूनिट्स लॉन्ग। दिस इज, तो 1 और 3 में देखिए, 1 और 3 में 1 tens हो जाएगा और 3 ones हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 8C, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 cube स्टैंड फॉर 1 unit। क्वेश्चन नंबर 1, द वेट ऑफ बॉक्स ए इज डैश यूनिट्स, तो ए का वेट जो है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट्स होगा। 2, क्वेश्चन नंबर 2, द वेट ऑफ बॉक्स बी इज डैश यूनिट, तो बी में देख के बताइए तो कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 यूनिट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द वेट ऑफ बॉक्स सी इज डैश यूनिट्स, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द वेट ऑफ बॉक्स डी इज डैश यूनिट्स, तो इसमें देखिए तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 होगा। द बॉक्स डैश इज द लाइटेस्ट, तो इसमें देखिए सबसे कम कौन सा है, डी है, तो यहाँ डी लिखेंगे। बॉक्स डैश इज द हैवीएस्ट, तो सबसे भारी कौन है, हैवीएस्ट कौन है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो है बॉक्स नंबर क्या होगा, तो सी है ना, इसमें 10 है, तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ बॉक्स सी। बॉक्स डैश एंड डैश आर हैवियर देन बी और डी, तो बी और डी यानी बी और डी है ना, इन दोनों से ए और सी जो है ये भारी है, ए और सी हो जाएगा है ना। और बॉक्सेस डैश एंड डैश आर लाइटर देन बॉक्स ए, तो बॉक्स ए से कम कौन सा है, बॉक्स ए ये है, तो इससे कम कौन है, ये तो भारी हो गया, ये दोनों कम है ना, तो यहाँ बी एंड डी हो जाएगा। अरेंज द बॉक्सेज ए टू डी द हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट, यानी जो सबसे भारी है उससे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे भारी सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है और सबसे लास्ट में डी है। एक्सरसाइज 8D, फिल इन द ब्लैंक्स, द बकेट कैन होल्ड डैश मग्स ऑफ वाटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मग्स ऑफ वाटर। द टब कैन होल्ड डैश मग्स ऑफ वाटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 मग्स ऑफ वाटर। तो सो द कैपेसिटी ऑफ द टब इज, तो टब जो है ये क्या है, कम है, ये 12 है, ये 10 है, मोर होगा कि लेस होगा, तो यहाँ पे लेस होगा, लेस देन डैट ऑफ द बकेट। रिविजन एक्सरसाइज, विच टी पॉट इज हायर कलर इट, तो ये ऊपर में है ना,
तो यहाँ पे इसको कलर कर देंगे। ड्रॉ ए लाइन शॉर्टर देन लाइन ए, यहाँ लाइन ए है, इससे एक छोटा लाइन खींचना है, ठीक है ना। द बुक इज अबाउट दस यूनिट लॉन्ग, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 यूनिट्स लॉन्ग। इच बॉक्स स्टैंड फॉर 1 यूनिट, बैग ए में देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना, वैसे ही इसमें कितना है, 7 है, इसमें 8 है और इसमें 12 है। तो बैग डैश इज हैवीएस्ट, तो सबसे भारी ये है बैग डी। कौन लाइटेस्ट है इसमें, तो बैग बी। बैग सी इज़ द हैवियर देन बैग बी। बैग ए इज हैवियर देन बैग सी बट लाइटर देन बैग डी। अरेंज द 4 बैग इन ऑर्डर बिगिन विद द लाइटेस्ट, यानी सबसे कम इसमें कौन सा है, बी है ना, उसके बाद सी, उसके बाद ए और सबसे लास्ट में डी। विच ऑफ द फॉलोइंग्स होल्ड्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, तो इसमें सबसे कम जो है बी स्पून में आएगा वाटर। चैप्टर 9 स्किप काउंटिंग, काउंटिंग बाई 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1, 2, 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ ये 10 हो जाएगा, वैसे ही यहाँ 2, ये 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10। काउंटिंग बाई 5, बिगनिंग फ्रॉम 5, सर्किल एवरी 5th नंबर, यहाँ पे 1 से 100 तक दिया हुआ है, इसमें हर 5th नंबर को सर्किल करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सर्किल कर दिए, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कर दिए, फिर 1, 2, 3, 4, 5 इसको सर्किल करेंगे, 15 को, फिर 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ 20 को सर्किल करेंगे, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यानी 25 को करेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 यानी 30 को करेंगे, इसी तरह से 100 तक में सर्किल करिएगा। राइट द नंबर यू हैव सर्किल्ड, यहाँ पे जो आप सर्किल करिएगा उसको यहाँ लिखना है, तो यहाँ 5, 10, 15, 20, 30, 35 ऐसे ही यहाँ पर आप लोग 100 तक का लिख दीजिएगा जो यहाँ आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे राइट द नंबर इन सर्किल, यहाँ पे लिखना है, ये एक बंच जो है 10 का है, यानी 1 10 यहाँ 10 हो जाएगा, 2 10 है यहाँ 20 हो जाएगा, 3 है तो 30, 4 है तो 40, 5 है तो 50, 6 है तो 60, 7 है तो 17, 8 है तो 18, 9 है तो यहाँ 90 और लास्ट में 100 हो जाएगा, है ना। काउंट अप और डाउन बाई 10s एंड राइट द मिसिंग नंबर, 1, 11, 21, तो यहाँ 31, 41, 51, यहाँ 61, 71, तो यहाँ 81, है ना, यहाँ 15 है तो यहाँ इसमें 10 जोड़ेंगे तो इसका यहाँ 25 होगा, उसके बाद 35 है तो यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 55 हो जाएगा, यहाँ 65, 75 दिया हुआ है, 85 और 95, वैसे ही इसको यहाँ आप लोग फिल कर लीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।